तो मेरे भाई मुझे पता है कि आप लोग थंबनेल देख के वीडियो पे क्यों क्लिक किए हो, क्योंकि आप लोगों को कुछ इस तरह से हैप्पी होली फोटो एडिटिंग सीखनी है। तो मेरे भाई आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज हम आप लोग को पिक्सार्ट एप्लीकेशन के मदद से सिर्फ 4 स्टेप में आप लोग को कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा ना, जिसको सीख कर आप लोग हैप्पी होली पे बहुत ही कमाल का फोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो इस रीड को सीखने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। और मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही ट्रेंडिंग फोटो एडिटिंग लेके आता रहता हूँ। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए ले चलते आप लोग को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पे जो फोटो को एडिट करनी हो उस फोटो को एडिट ए फोटो के ऑप्शन से एड कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आज हम इस फोटो पे आप लोग को एडिट बताने वाले हैं, तो सिंपली इस फोटो को पिक्सार्ट एप्लीकेशन में एड कर लेंगे, ठीक है। और एड करने के बाद देख सकते हो फोटो अभी हमारा कुछ इस टाइप से, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, ठीक है, इस फोटो का। तो यहाँ पे आप लोग को कटआउट वाले ऑप्शन पे जाना है, और कटआउट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को सबसे पहले ये वाला पर्सन का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली पर्सन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पूरे बॉडी पे रेड रेड सा आ गया। मान लीजिए कहीं कहीं पे छोड़ दे दिया हुआ है ना, तो उसको भी हम यहाँ से रेड कर देंगे। जैसे कि ब्रश वाले आइकन पे जाएंगे और हार्डनेस को कर देंगे कुछ इस प्रकार से 87, और साइज को छोटा या फिर बड़ा कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे चश्मा पे छोड़ दिया है, तो यहाँ पे इसको हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई। और कुछ इस तरह से आप लोग को मान लीजिए कि पूरे बॉडी के पार्ट या फिर अपने जो मॉडल है जहाँ जहाँ पे छोड़ देगा वहाँ वहाँ पे इसको आप लोग को फिंगर की मदद से इसको कुछ इस तरह से अप्लाई कर देना है, नहीं तो रिमूव कीजिएगा, तो जहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ रहेगा वो भी पार्ट कट जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जो शॉर्ट का कलर है यहाँ पे भी हल्का छोड़ दिया है, तो इसको भी हम हल्का हल्का ले लेते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी हल्का छोड़ दिया है, तो इसको भी हम ले लेंगे। और ये करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भी है, तो इसको भी ले लिया, मतलब जहाँ जहाँ पे छोड़ दिया रहेगा ना अपने बॉडी के पार्ट पे, तो वहाँ वहाँ इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद ये करने के बाद आप लोग को क्या करना है, सिंपली इसको डन कर देना, ठीक है। और डन करते ही आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से देख सकते हो तो कि बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो चुका है, और उतना अच्छा से नहीं हुआ है, उसको बाद में ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे इस वाले को मतलब इस फोटो को सेव कर लेंगे गैलरी में, ठीक है भाई। और इसको गैलरी में सेव कर लेंगे, और गैलरी में सेव करने के बाद आप लोग को बैक आना है एक बार, और यहाँ पे इसको कर देंगे डोंट सेव। और डोंट सेव कर देने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे, ठीक है भाई। और मैं बता दूँ ये बैकग्राउंड पे फोटो एडिट अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं, और मैं बता दूँ ये बैकग्राउंड आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर जाने के बाद वो जो जिसका बैकग्राउंड आपने रिमूव किया था उस फोटो को सिंपली इस बैकग्राउंड पर ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से ऐड कर लेंगे, और साइज को इसको एकदम बड़ा कर देंगे, और इसको एकदम अच्छे तरह से बीच में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। और इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं, यानी बीच में इसको एडजस्ट कर देना है। और एडजस्ट कर देने के बाद आप लोग ध्यान से देखते रहे कि बैकग्राउंड जो रिमूव किया था वहाँ से, तो वो एकदम अच्छा तरह से नहीं काटा था, तो यहाँ से ठीक करना है उसको। तो इरेज वाले ऑप्शन पर जाना है, और इरेज वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ पर इरेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ पर भी इरेज वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हार्डनेस को 100 कर देंगे, और साइज़ को अपने अकॉर्डिंग छोटा या फिर बड़ा कर लेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद फोटो को जूम करना है, और जूम करने के बाद जैसे देख सकते हो ये जो मॉडल है इसका बाहरी पार्ट एकदम अच्छा तरह से नहीं काट के दिया था, तो यहाँ से इसको हम ठीक कर लेंगे साइड साइड से। तो चलिए हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ताकि आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और ठीक कर लेने के बाद फोटो का जो बैकग्राउंड है वो एकदम प्रोफेशनल टाइप से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को कर देना है डन, ठीक है भाई। और डन करने के बाद आप लोग को फिर से डन कर देना है, ताकि बैकग्राउंड पे ये फोटो ऐड हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो फोटो अभी हमारा कुछ इस तरह से, इसमें अभी अब बहुत सारा काम है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहे। तो यहाँ से अब हम PNG सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हम कलर वाला PNG को ऐड करेंगे। जैसे कि देख सकते हो ये PNG है, तो सिंपली इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, अपने फ़ोटो पे। और यहाँ पे ऐड फोटो वाला ऑप्शन मिल जाता है, मतलब ऐड वाला ऑप्शन, तो सिंपली इसको ऐड कर देंगे, और इसको साइज़ को हल्का बड़ा कर देंगे, ठीक है। बड़ा करने के बाद इसको ना एक साइड में लगा दीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग को यहाँ से इरेज का ऑप्शन मिला है, सिंपली इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से भी एक इरेज का ऑप्शन मिला है, सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा, और हार्डनेस को कर दीजिएगा 45% तक, और ओपेसिटी को भी उतना ही कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो हम ऐड किए हैं ये पता चल रहा है, तो इसको हम हल्का हल्का मिटाएंगे, यानी इरेज करेंगे हल्का हल्का, ठीक है। तो ये जो कलर है वो जुड़ा हुआ है ये पता नहीं चलेगा, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग को कर देना है सिंपली डन वाले ऑप्शन से डन,
और यहाँ से डन करने के बाद आप लोग को फिर से डन कर देना है। और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक PNG को ऐड करेंगे, तो फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है। और ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फिर से जो PNG को ऐड करेंगे, जैसे कि अभी हम ये स्मोक PNG है तो ये वाला PNG को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, अपने फ़ोटो को साइड में लगा देंगे, ठीक है, जो कि कपड़ा पे भी आ जाना चाहिए इसका कलर, ताकि फ़ोटो हमारा नेचुरल लगे, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग को यहाँ से भी कर देना है इसको भी डन। और डन करने के बाद फ़ोटो भी हमारा कुछ इस टाइप से एडिट हो जाएगा। उसके बाद फेस पे इसका कलर लगाना, ठीक है। तो यहाँ से फिर से एड फोटो वाले ऑप्शन पर जाएंगे, फिर से PNG सबको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इस बार ये वाला PNG को ऐड करेंगे, ये वाला PNG को। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, कोई भी पार्ट आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ठीक है भाई। और यहाँ से इसको गाल पे कलर कैसे लगाना है आप लोग ध्यान से देखते रहिए यहाँ पे। तो ये रेड कलर हम गाल पे लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे रेड कलर को सिंपली कुछ इस तरह से एडजस्ट करके रख देंगे। और यहाँ पे आप लोग को जाना है, जैसे कि ये ग्रीन वाला कलर है, इस सबको हटा देंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है। तो इरेज करने के लिए आप लोग को सिंपली इरेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और इरेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को इसको इरेज कर देना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे से भी इरेज वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। बाहरी पार्ट जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको इरेज कर देंगे। तो सिंपली इस तरह से करने के बाद देख सकते हो ऐसा फ़ोटो हो जाएगा अभी तक एडिट। उसके बाद आप लोग को यहाँ से डन कर देना है, डन करने के बाद फिर से डन करना है। उसके बाद फिर से एड फोटो वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर से वही कलर ले लेंगे, सेम कलर। और सेम कलर लेने के बाद इस बार हम ग्रीन कलर को अपने बॉडी पे लगाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे अपने सीने के पास, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसको लगा देंगे और लगाने के बाद फिर से इरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और इरेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद बाहर का जो कलर है उसको हम यहाँ से इरेज कर देंगे, ठीक है। और इसको इरेज कर देने के बाद आप लोग देख सकते हो फोटो भी हमारा कुछ इस तरह से एडिट हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है इस तरह से एडिट हो जाने के बाद। उसके बाद आप लोग को फिर से डन कर देना है, और डन करने के बाद फिर से डन कर देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक होली का PNG ऐड करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले फिर से मतलब ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ से आप लोग को ये होली वाला PNG ऐड करेंगे फ़ोटो के साइड में, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था। तो इसको कुछ इस तरह से साइज को अपने अकॉर्डिंग, अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसको लगा देंगे, ठीक है भाई। ये लगाने के बाद फ़ोटो में खूबसूरती और भी थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद ये कर देना है, और ये करने के बाद आप लोग को सिंपली फिर से कर देना है डन। और डन कर देंगे तो सारा काम जो किया है फ़ोटो पे वो एकदम अच्छे तरह से सेव हो जाएगा। और सेव हो जाने के बाद इसमें एक काम और बाकी है, आप लोग ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और टूल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को चले जाना है यहाँ पे एडजस्ट वाले ऑप्शन पे, और इसको क्या करेंगे, ब्राइटनेस को हल्का बढ़ा देंगे अगर आपके फ़ोटो में कम है तो, या फिर नहीं बढ़ाएगा। और कॉन्ट्रेस्ट को तो हल्का बढ़ाइएगा ही, जैसे कि हल्का 50% तक, और क्लियरिटी को भी हल्का बढ़ा देंगे, ठीक है भाई। और इतना बढ़ा देने के बाद आप लोग को कर देना है डन। और डन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बिफोर बैकग्राउंड और फोटो, अभी तो फाइनली हमारा फोटो एडिट हो चुका है एकदम अच्छे तरह से कंप्लीट। और इस फोटो को सेव करने के लिए आप लोग को ये सेव वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली सेव कर लेंगे तो एकदम बेहतरीन क्वालिटी में गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये एडिट एकदम अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी। और मैं बता दूँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार फोटो एडिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरे दोस्त।